अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। आपने यदि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है बिलासपुर यूनिवर्सिटी से, तो आप डिग्री सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इसे प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, इसे अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र भी कहते हैं। इसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विस लिखा है, इस पर क्लिक करने होंगे। उसके बाद एक नया वेब पेज खुलेगा। एक नया वेब पेज खुलने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ कर्सर ले गया हूँ मैं ऑनलाइन फॉर्म फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री और डुप्लीकेट मार्कशीट, इस पर क्लिक करने होंगे। क्लिक करेंगे तो एक फिर से नया वेबसाइट वेब पेज खुल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आने होंगे जहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म्स, यहाँ लिखा है प्रोविजनल, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोविजनल पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज खुलेगा। देख सकते हैं एक नया पेज खुल गया है, हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। यहाँ लिखा देख सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। आप यदि प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसके लिए पेमेंट ही देने होंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दे दिए हैं तो आप अपना अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर आने होंगे। इस पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आपको एक आईडी मिला होगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा। मैं डेट ऑफ बर्थ और आईडी डाल देता हूँ। मैंने यहाँ एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके बाद सर्च एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे तो एक फिर से यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल आ गया है। हमें एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लिया। इसके बाद हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है तो आप यहाँ आएंगे, देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा है प्रिंट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकेंगे आप यहाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है और प्रिंट करने का ऑप्शन भी यहाँ दे दिया गया है। यहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हैं, यहाँ पीडीएफ भी लिखा है और सीधे प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।